फुटबॉल के प्रेमी हैं, मैं प्रणाम करता हूं। ये जो ग्राउंड है, आप सबके लोग सबको बता दूं, ये हमारे परम मित्र स्वर्गीय नारायण राव की सोच और उनके साथियों का सोच का परिणाम है जो आज इस ग्राउंड का निर्माण हुआ। आज इस ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट हमारे छोटे भाई लोग के द्वारा जो कराया जा रहा है, गणेश शर्मा स्मृति पर जो फुटबॉल टूर्नामेंट फाइव साइड जो किया जा रहा है, ये काफी तारीफ़ काबिल है। मैं उन सब आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो जिनकी सोच अपने मित्र को श्रद्धांजलि रूप में आज उन लोगों ने इस टूर्नामेंट को आयोजन किया और इसमें खिलाड़ियों को खेलने का अवसर दे रहे हैं। जो नए नए खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप खेल के प्रति रुचि दिखाएं, क्योंकि आज पीढ़ी जो है खेल के प्रति रुचि कम दिख रहा है। इसलिए आप सब करना चाहूंगा, पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी रुचि दिखाएं। फुटबॉल बहुत अच्छा टूर्नामेंट हम खेला करते थे, फुटबॉल हमारी जान है, शान है और दिल्ली राज की तो शान है फुटबॉल। और जितने यहाँ उपस्थित हुए हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबका जो स्नेह जो कमेटी को मिल रहा है, जो आयोजक कमेटी को मिल रहा है, आप सब घर से निकलते हैं, बैठते हैं, टूर्नामेंट का आनंद उठाते हैं, तो आयोजकों की गरिमा बढ़ती है, उनकी जो इच्छा शक्ति बढ़ती है, उनका जो फुटबॉल टूर्नामेंट कराने का जो आयोजन करने का जो उन लोगों ने हिम्मत दिखाया उसको एक प्रोत्साहन मिलता है। आप सब लोगों ने आज जो यहाँ पहुंचकर यहाँ उपस्थित हो, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। पीटू भाई एवं सारे को इस आयोजन कमेटी के जितने सदस्य हैं, हमारे साथी लोग हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई लोग हैं, जितने लोग हैं सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतने बड़े आयोजन को कम समय में करने का प्रयास किया, इसलिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय हमर सुगर दिल्ली राजरा। गिर जाएगी कोई इधर उधर मत जा भैया, फुटबॉल में गिर गया एक जगह रहा बोले तो इतना लूं डन।
मर्जी कर दी। चल हमारे बीच नगर पालिका अध्यक्ष माननीय श्री शुभ नायक जी का आगमन हो गया है। एक बार जोरदार ताली। उड़िया समाज और गोर समाज के मध्य ये मैच हाफ टाइम तक गोर समाज 2-0 से आगे